Hello students, today our topic is inertial and non-inertial frame of reference. So if we see ki hamare jo Newton ke laws hai, that are valid only and only in frame of inertial frame of reference ki agar hame motion ko study karna hai. So to study the motion, sabse pehli cheez jo main karwata hu ki we need a frame of reference. ठीक है कि हमें एक रेफरेंस चाहिए कि उसके अकॉर्डिंगली हम किसी को मोशन या रेस्ट में बता सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई से एम आई इन रेस्ट, इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, मैं रेस्ट में हूं अकॉर्डिंग टू माय सराउंडिंग. ठीक है कि मैं बोर्ड के अकॉर्डिंगली डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा, मैं इस डोर के अकॉर्डिंगली या जो भी हमारे अराउंड है उस सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली अपना जो डिस्टेंस वेरी नहीं कर रहा, चेंज नहीं कर रहा, हेंस आई एम एट रेस्ट. इसी जगह पे खड़ा खड़ा अगर मैं देखूं कि समवन आउट ऑफ दिस यू नो अर्थ अगर मुझे देख रहा है कि कोई स्पेस में है, स्पेस से मुझे देख रहा है, देन सिंस द अर्थ इज रिवॉल्विंग आई एम ऑल्सो रिवॉल्विंग. सो न्यूटन ने जो एग्जाम्पल दी थी इसकी कि जो हमारे पास एग्जाम्पल है ट्रेन की एग्जाम्पल दी जाती है कि अगर कोई पर्सन ट्रेन के अंदर बैठा है उसके लिए वी आर इन रेस्ट कि हम उस सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली रेस्ट है, बट अगर कोई पर्सन बाहर खड़ा है सो ट्रेन इज मूविंग, उसके साथ हम भी मूविंग है. हेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंगली हम बताते हैं कि वेदर वी आर इन रेस्ट और मोशन, और उसी के अकॉर्डिंगली हम अपने जो सारे लॉज है वो लगाते हैं, न्यूटन के जो लॉस है ना. सो उसी के बारे में हम करेंगे कि जो हमारे पास दो तरह के फ्रेम आते हैं, वन इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अनदर इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, सो अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ये वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें न्यूटन के लॉ ओबे होते हैं. ठीक है, इट इज दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ ओबे. सो वेरी फर्स्ट थिंग, न्यूटन्स लॉस आर ओबेड इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अभी रेफरेंस फ्रेम है कैसा? सो इसमें न्यूटन के जो हमारे थ्री लॉज हमने किए कि फर्स्ट लॉ हो गया, सेकंड लॉ हो गया, थर्ड लॉ हो गया, जो इनर्शियल लॉ और एफ इज इक्वल टू एम ए या एफ इज डीपी अपॉन डीटी या एक्शन एंड रिएक्शन लॉ जो है हमारे वो ओबे होंगे. अब फर्स्ट लॉ से इसकी डिफाइन बनी है इनर्शियल फ्रेम की कि अगर कोई ऐसा फ्रेम, ठीक है, अगर कोई ऐसा फ्रेम जिसमें जिसमें से अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, लेट दिस इज अ फ्रेम और इसमें अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूं, सो अगर इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स जीरो है तो इस पे एक्सेलरेशन भी जीरो होगी. एंड वी नो इफ एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट या जीरो होगी. ठीक है कि अगर किसी चीज पे जीरो फोर्स लग रही है या तो वो रेस्ट में होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी पे होगा. अगर ऐसा हमें दिख रहा है तो वो इनर्शियल फ्रेम है. अगर ऐसा नहीं दिख रहा देन इट इज नॉट अ इनर्शियल फ्रेम कि उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग भी नहीं रही, जीरो फोर्स है, इवन मुझे वो एक्सेलरेटिंग दिख रहा है, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है. इसके एग्जांपल्स देखेंगे हम. ठीक है, और कैसे जो न्यूटन्स के लॉ है वो फेल हो रहे हैं अगर हम नॉन इनर्शियल में आ रहे हैं, उसकी हम बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखेंगे. ठीक है, सो दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. चलो, सो इसकी डिफाइन क्या है? इसकी डिफाइन है अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच ऑल द न्यूटन्स लॉ आर ओबेड एंड इफ ऑन अ बॉडी F is zero, then acceleration of that body is also zero. ठीक है, and
इवन इसमें क्या होता है इनर्शियल फ्रेम में, जो मैं तीसरी चीज कहूंगा, ये तो फॉर अ बॉडी है, ठीक है, दिस इज फॉर अ बॉडी, इनर्शियल फ्रेम की एक्सेलरेशन भी जीरो होगी। इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम है जिसकी एक्सेलरेशन जीरो होती है, दैट मींस या तो इनर्शियल फ्रेम हमारा रेस्ट में होगा, ठीक है, बहुत बहुत पर्सन को ये कंफ्यूजन रहती है कि इनर्शियल फ्रेम वही है जिसमें जो जो मींस रेस्ट में, सो इनर्शियल फ्रेम आइदर वो है जिसमें मींस वो फ्रेम है, या तो वो रेस्ट में है या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, वो दोनों इनर्शियल फ्रेम चलेंगे हमारे। सो इनर्शियल फ्रेम इज अ फ्रेम इन विच एक्सेलरेशन इज जीरो एंड इन विच इफ वी ऑब्जर्व अ बॉडी ऑन विच द फोर्स इज जीरो देन द बॉडी वुड हैव एक्सेलरेशन जीरो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। फर्स्ट लॉ भी ये कहता है इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन इट वुड बी इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन, इन द स्ट्रेट डायरेक्शन, ठीक है। सो फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ दोनों इसमें ओबे हो रहे हैं, उसको हम इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिफाइन है इनर्शियल फ्रेम की, कि इसमें न्यूटन लॉ ऑफ वे होंगे, इसमें अगर बॉडी पे फोर्स जीरो है एक्सेलरेशन उसकी जीरो होगी, और उस फ्रेम के लिए फॉर इनर्शियल फ्रेम एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक है। और इन्हीं का ही उल्टा है कि हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऐसा फ्रेम है जिसमें न्यूटन्स लॉस आर नॉट ऑबेड, ठीक है। सेकेंड, इसमें वील ऑब्जर्व इट, विल डेफिनेटली ऑब्जर्व इट। अभी एक एग्जाम्पल दूंगा कि इफ ऑन अ बॉडी एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो इवन एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो ऑफ दैट बॉडी, मतलब वो हमें बॉडी एक्सेलरेट करती हुई दिखेगी, ठीक है, चाहे उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही। एग्जाम्पल देखेंगे इसकी, ये थर्ड पॉइंट लिखने के बाद, कि इसमें एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो ऑफ द फ्रेम, मतलब वो फ्रेम जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। अब इसको सोचो, ठीक है, तुम्हें रिलेटिविटी लगानी पड़ेगी अपनी, कि हमें रिलेटिविटी सिखाया जाता है प्लस वन में, कि अगर सपोज मैं आगे की तरफ जा रहा हूं, ठीक है, और एक ट्री रेस्ट में है, तो हमें वो पीछे हुए जाता दिख रहा है, होता है, वेरी ऑब्वियस, ठीक है। सो वी आर रिलेटिंग द वेलोसिटीज, कि अगर मेरी वेलोसिटी प्लस वी है तो उसकी वेलोसिटी मुझे माइनस वी दिखती है ना। तो ऐसे ही है, अगर कोई फ्रेम ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, देन इसमें कोई चीज अगर फोर्स जीरो भी लग रही है, तो ये माइनस ए एक्सेलरेशन से हमें पीछे जाता दिखेगा, रिलेटिव इसकी एक्सेलरेशन होगी, ठीक है, हेंस इस पे फोर्स तो लगी नहीं, बट स्टिल इसमें क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन वो उस बॉडी पे एक्सेलरेशन है जो यहां पे हमने कहा कि फोर्स जीरो है, स्टिल एक्सेलरेटिंग है ये ऑब्जेक्ट, स्टिल सीम्स टू बी एक्सेलरेटिंग है, ठीक है। सो ये हमारे होते हैं इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। यहां से एक आइडिया तो हो गया होगा कि हमारा लॉस ऑफ न्यूटन यहां पे फेल हो गया, ठीक है, यहां इसकी एप्लीकेबल नहीं है लॉ ऑफ न्यूटन इस फ्रेम में। और इसके लिए एक और एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत बेस्ट एग्जांपल इसकी, चलो ये भी बने रहते मिलते हैं, कि हम जो भी, अगर तुम देखो प्लस वन में हमने ये फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट जो किए, इनमें क्या किया, ऑब्जर्वर हमेशा हमने रेस्ट पे रखा, ठीक। फॉर एग्जांपल हम पुली वाले एग्जांपल करते हैं, लिफ्ट वाले एग्जांपल करते हैं, बेस्ट रहेगा। लिफ्ट वाले एग्जांपल में हम क्या कहते हैं कि Suppose, यहां पे हमने एक मास टाई किया,
ठीक है। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स ऊपर लग रही है, इस बॉक्स का वेट अगर इसका मास एम है तो वो डाउनवर्ड लगेगा। अगर ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, देन सेकेंड लॉ क्या कहता था, सेकेंड लॉ कहता है नेट फोर्स एम ए के इक्वल होती है, ठीक है, एक्सेलरेशन के इक्वल होगी हमारी, मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल। सो इसमें नेट फोर्स क्या है, हमारी टी माइनस एम जी इज इक्वल टू नेट फोर्स एम ए इज इक्वल टू एम ए। तो टी इज इक्वल टू, अच्छा ये कब देखा हमने, ये देखा अगर हमारा जो ऑब्जर्वर है वो आउटसाइड द लिफ्ट है और उसकी आउटसाइड द लिफ्ट में एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब वो रेस्ट में लेके चल रहे हैं फॉर द वाइल, कि वो ग्राउंड में खड़ा हुआ है और इस लिफ्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए, इस रेस्ट वाले बंदे के लिए लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन के लिए, इस रेस्ट वाले बंदे के लिए जो मास है, मतलब ये नीचे की तरफ वेट लगा रहा है और स्ट्रेंथ पे टेंशन फोर्स लगा रहा है टी। सो यहां से टेंशनल फोर्स क्या आ गई, ये, ठीक है। तो ये ट्रू है, हमारा सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली हमने इसको निकाला कि ये हमारा ट्रू है कि टेंशन फोर्स जो इसमें है एम ए प्लस एम जी ही है। अब अगर मैं हमारा जो रेफरेंस पर्सन है, हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या जो हमारा ऑब्जर्वर है, उसको ट्रेन उसको लिफ्ट के अंदर खड़ा कर दूं तो क्या होगा, तो सेम सिनेरियो, सेम लिफ्ट है, एक पर्सन बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है, एक पर्सन अंदर से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो ये उसी को ही मैं बना रहा हूं, ये एक पर्सन इसको अंदर से ऑब्जर्व कर रहा है कि वही सेम स्ट्रेंथ टेंशन फोर्स, वही सेम मास, वही नीचे mg, वही ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन बॉडी में। अब सोचो यू आर स्टैंडिंग इन द लिफ्ट और तुम देख रहे हो कि ये एक मास टाई किया हुआ है हमने लिफ्ट के अंदर, तो तुम क्या कहोगे, ये रेस्ट में, ठीक है, क्या हुआ कि अब जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट जा रही है उसी एक्सेलरेशन से तुम भी जा रहे हो, तो तुम्हारे लिए तो ये रेस्ट में हो गया, हेंस हमारी एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, हमारी एक्सेलरेशन ये एक्सेलरेशन है, इस बार मैं भी लिफ्ट के साथ जा रहा हूं, हेंस आई बिलोंग टू द नॉन इनर्शियल फ्रेम। सो इन दैट केस मैं उस बॉडी को अंदर लिफ्ट के अंदर देख रहा हूं, सो मैं क्या देख रहा हूं कि ये चीज एक्सेलरेट नहीं हो रही, यहां पे क्या हो रहा है, T is equal to mg आएगा, ठीक है, कि यहां पे मुझे ये पूरा सिस्टम जो है, ये थ्रेड और मास का सिस्टम, ये रेस्ट में दिख रहा है। सो अगर ये रेस्ट में दिख रहा है तो मेरे पास एक्सेलरेशन जीरो है, इसके लिए इस हमारे पास जो ये मींस थ्रेड और मास का कॉम्बिनेशन है, अगर ये एक्सेलरेशन जीरो है तो मेरा टी इज इक्वल टू एम जी आएगा। अब सेम लिफ्ट है, सेम थ्रेड और सेम मास है, फर्क क्या हुआ, एक ऑब्जर्वर बाहर खड़ा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी खुद का एक्सेलरेशन जीरो है या वेलोसिटी भी जीरो है, और उसने फॉर्मूला निकाला कि टेंशन ये लग रही है, और ये जो अंदर बंदा खड़ा था इसने निकाला कि स्ट्रिंग पे जो टेंशन फोर्स लग रही है वो सिर्फ मास के लिए लग रही है और कोई नहीं लग रही, हेंस टी इज इक्वल टू एम जी लग रही है। सो सेम केस, सेम थ्रेड, दो टेंशन फोर्स, दो डिफरेंट वैल्यूज, विच इज रॉन्ग, मीन्स या तो ये वाला पर्सन सही होगा या ये वाला पर्सन सही होगा। तो हम इसको एक्सपेरिमेंट के लिए लैब में लेके गए, हमने देखा इस पे टेंशन फोर्स निकाल ली, इसमें मेजरिंग रखा हमारा वेट मेजर करने के लिए या फोर्स मेजर करने के लिए, तो हमने देखा कि इस पे टेंशन फोर्स ये नहीं लग रही, यही लग रही है, ठीक है, जो न्यूटन ने कहा था वही है,
टी इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए ही लग रही है इसमें, बट टेस्ट वाले पर्सन के लिए टी इज इक्वल टू एम जी लग रही है, हेंस न्यूटन लॉ जो है वो फेल हो गया। ठीक है, सो बेस्ट एग्जाम्पल जो हमने देखी कि न्यूटन लॉ इसमें फेल हो गया, हेंस हमारा ऐसा फ्रेम जो खुद ही एक्सेलरेटिंग है, जो खुद ही जीरो एक्सेलरेशन नहीं है उसकी, तो उसके लिए न्यूटन्स लॉ ओबे नहीं करते। ठीक है, अच्छा एक और चीज बताता हूं, एक और एग्जांपल सिमिलरली कि अगर कोई कार है, ठीक है, हम क्या है कार के अंदर बैठे हुए, कार के सेंटर में हमने ऐसे ही एक पेंडुलम, चलो लेट नॉट बी दिस मास, हमने पेंडुलम टाई कर दिया। अगर मैं बाहर से देख रहा हूं, ठीक है, आई एम एन ऑब्जर्वर फ्रॉम आउटसाइड, तो जब कार एक्सेलरेट करेगी तो इस पे क्या होगा, तो हम जब इस पे फोर्सेस निकालेंगे, मतलब ये पीछे की तरफ जाएगा, ये क्या होगा, ये पेंडुलम यहां था, जब कार एक्सेलरेट करेगी थीटा एंगल पे पीछे आ जाएगा, ये मूव करेगा, बैक मूव करेगा, तो हम कहेंगे ठीक है जी, ये आगे की तरफ एक्सेलरेट हुआ था, ये पीछे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, इस पे नेट जो फोर्स है वो लग रही है, ठीक है, जिसके कारण ये पीछे जा रहा है। अगर मैं कार के अंदर बैठा हूं तो मैं भी साथ में एक्सेलरेट करूंगा, जो मतलब अब हमें वैसे हम इसको जनरली समझ लेते हैं कि कार आगे की तरफ एक्सेलरेट की है इसलिए हमें बैकवर्ड जर्क लगा है, बट अगर हम देखें कि उसी एक्सेलरेशन पे हम भी हैं, उसी एक्सेलरेशन पे पेंडुलम भी है, तो हम कहेंगे कि पेंडुलम रेस्ट में है, तो पेंडुलम पीछे की तरफ क्यों हुआ, या अगर इवन कार चल रही है तो भी ये पेंडुलम थोड़ा सा पीछे की तरफ रहेगा, ठीक है, थोड़ा थीटा एंगल में ये रहेगा, तो हम कहेंगे इस पे ऐसी कौन सी फोर्स लग रही है जिसके कारण ये पीछे की तरफ है, मेरे पे मतलब ऑब्वियसली हमारे पे भी लग रही है, बट ये पेंडुलम ऐसे थीटा एंगल पे क्यों है। ठीक है, अगर मैं ऑब्जर्वर उसके अंदर हूं तो मैं कहूंगा मैं भी रेस्ट में हूं, ये भी रेस्ट में है, ये पीछे की तरफ क्यों जा रहा है, राइट right? So, जिस एक्सेलरेशन पे मैं हूं उसी एक्सेलरेशन पे कार है, उसी एक्सेलरेशन पे पेंडुलम है, तो मैं एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम हूं, हेंस वहां पे हम गलत कर जाएंगे। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम आती है हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम में। हमने तीन चीजें देखी कि फर्स्ट लॉ ओबे नहीं हो रहा हमारा, कि अगर एक्सेलरेशन, अगर फोर्स उस बॉडी पे जीरो है, इवन एक्सेलरेशन जीरो नहीं आती, हमने बना के देखा। ठीक है, सेकेंड ये लिफ्ट वाली एग्जाम्पल देखी, ये कार वाली एग्जाम्पल देखी, और बहुत सारी एग्जाम्पल हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, कि अच्छा एक और थी जो अगेन रिलेटिविस्टिक के अकॉर्डिंगली हम देखें, चलो बताता हूं, उसमें क्या था कि अगर सपोज ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम है तो क्या होगा, अगर इस पे कोई फोर्स लगी, ठीक है, या कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रेवल करनी है, तो इंफॉर्मेशन ये खुद एक्सेलरेटिंग है इस तरफ, और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आनी है वो पहले ही आ जाएगी, मतलब इंफॉर्मेशन अगेन स्पीड ऑफ लाइट ऑफ स्पीड से ज्यादा तेज ट्रेवल करके, या इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले आएगी तो वो भी गलत हो जाता है। ठीक है, सो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम जो है वो रिलेटिविस्टिक में हम पढ़ते हैं कि जो हमारी आइंस्टाइन की थ्योरीज है कैसे हम उसको इसको भी जो है रेक्टिफाई कर देते हैं। सो ये सारी चीजें आती हैं हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम में। ओके, ऐसे ही इसको भी हमने, जो ये वाले प्रॉब्लम है इसको भी हमने ठीक किया है, और इवन वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी रहा, उसको हम बोलते हैं सूडो फोर्स। ठीक है, प्लस वन में है ये टॉपिक, सूडो फोर्स। सो सूडो फोर्स क्या होती है, हम एफ इज इक्वल टू माइनस एम ए अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं,
कि जैसे हम करते हैं कि कोई न्यूमेरिकल ठीक नहीं आया, हम अपनी तरफ से सोचते हैं कि अगर मैं कुछ ऐसा ऐड कर देता तो ये शायद मेरा आंसर ठीक आ जाता। फिर वही मैं सेकंड न्यूमेरिकल में थर्ड न्यूमेरिकल में लगा के देख रहा हूँ, ठीक आ रहा है। तो ये सिर्फ एक जुगाड़ किया हुआ है, ये सूट ऑफ फोर्स लगा रही है। और सूट ऑफ फोर्स है क्या कि हमने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उस फ्रेम के ऑपोजिट माइनस इज ऑपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऐड कर देनी है। फॉर एग्जांपल यही वाला एग्जांपल ले रहे हम, ई मैं एक्सेलरेट कर रहा था ऊपर, ठीक है, इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के ऊपर ये फोर्स ऐड कर दी। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने एम ए ऐड कर दिया ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो अब नेट फोर्स क्या होगी? अब इस बंदे के लिए नेट फोर्स होगी टी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी, और ये तो मेरा रिजल्ट है, ठीक है। सो हमने देखा ये सूडो फोर्स आगे हमारे न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करती है, उसके न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फॉर द व्हाइल दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेरी डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। I am always available to answer your queries. Thank you.